दोस्तों भारत के अंदर क्रिकेट एक खेल नहीं बल्कि धर्म माना जाता है और इस खेल के अंदर लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ गई थी जब भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। हालांकि इस वर्ल्ड कप के बाद से भारत में इस खेल के प्रति लोकप्रियता तो काफी बढ़ गई, लेकिन अगला वर्ल्ड कप जीतने में भारतीय टीम को कई दशक लग गए क्योंकि काफी बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में मौजूद होने के बाद भी 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की युवा टीम ने यह कारनामा करके दिखाया था। हालांकि अब एक बार फिर से 2019 में भी करोड़ों देशवासियों की उम्मीद भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ गई है क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए भारतीय टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है। और दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए भारत सबसे संतुलित टीम है क्योंकि इस टीम में वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ऑलराउंडर्स और गेंदबाज सभी शामिल हैं। हालांकि अगर कुछ साल पहले तक देखा जाए तो भारतीय टीम की बल्लेबाजी तो अच्छी थी लेकिन गेंदबाजी टीम की हमेशा ही कमजोरी बनी रही। लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे और भी कई सारे गेंदबाजों के आने के बाद से भारतीय टीम अब दुनिया के किसी भी क्रिकेट टीम के सामने सबसे मजबूत दिखाई देती है। और दोस्तों खासकर जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह शुरू से ही अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है वह आज हर युवा बॉलर के इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और दोस्तों आज का यह वीडियो भी जसप्रीत बुमराह के ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स या फिर कह लें कि फैक्ट्स के ऊपर है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, जैसे कि नो बॉल पर भी 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी। जसप्रीत बुमराह वैसे तो विकेट लेने के मामले में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे कामयाब बॉलर बन चुके हैं और जब भी भारतीय टीम को विकेट की खास जरूरत होती है तो उस समय जसप्रीत बुमराह को काम पर लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों शायद आपको यह बात जानकर हैरानी हो कि महज 3 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 5 बार बुमराह ने नो बॉल पर विकेट लिए हैं, यानी कि 5 बार ऐसा हुआ कि विकेट लेने के बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिला और इसी वजह से भारतीय टीम ने कई सारे मैचेस भी गंवा दिए। हालांकि शुरुआती समय में बुमराह की कई सारी नो बॉल करने की बहुत ही बड़ी कमी थी लेकिन अब आगे चलकर उन्होंने अपनी इस कमी को सुधार लिया है। इसके अलावा जसप्रीत भारतीय टीम के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका टेस्ट, ODI, T20 और यहाँ तक कि लिस्ट ए का भी डेब्यू भारत से बाहर हुआ है। दरअसल कोई भी टीम अपने नए खिलाड़ी को सबसे पहले अपने देश में ही खिलाना पसंद करती है, लेकिन बुमराह के केस में अलग था क्योंकि लिस्ट ए के मुकाबले में पहली बार सिंगापुर, इंटरनेशनल ODI और T20 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, वहीं टेस्ट मैच में पहली बार साउथ अफ्रीका में जाकर जसप्रीत को मौका मिला। इसके अलावा अपने पहले ही टेस्ट मैच में बुमराह ने AB डिविलियर्स को 2 बार आउट किया और यह खास इसलिए भी था क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि किसी भी नए फॉर्मेट में कदम रखने पर वह अपने डेब्यू में बेस्ट परफॉर्मेंस दे। लेकिन अपने करियर के सबसे बेहतरीन समय में चल रहे AB डिविलियर्स जैसे महान बल्लेबाज को आउट करना किसी भी खिलाड़ी के लिए खास होगा। और इतना ही नहीं, अपने पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने कुल 4 विकेट लिए थे। और दोस्तों ठीक इसी तरह से ही ODI और T20 दोनों ही डेब्यू मैचेस में भी जेम्स फॉकनर जसप्रीत बुमराह के पहले शिकार बने थे। और दोस्तों 2013-14 के रणजी ट्रॉफी के एक मैच में विदर्भ के खिलाफ 7 विकेट लेकर बुमराह ने सभी को हैरान कर दिया और फिर उनके असल टैलेंट को पहचानते हुए जॉन राइट ने उन्हें मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया। और फिर 19 साल की उम्र में अपना पहला IPL मैच RCB के खिलाफ खेलते हुए बुमराह के पहले 4 बॉल में 3 चौके ली गए, लेकिन शानदार वापसी करते हुए बुमराह ने विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज का विकेट झटक लिया। और IPL के भी अपने डेब्यू मैच में बुमराह ने 32 रन देकर कुल 3 विकेट लिए थे। और दोस्तों इसी तरह से ही बुमराह ने अपने करियर के शुरुआती समय से ही सभी को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वह दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज माने जाते हैं। हालांकि बुमराह का शुरुआती सफ़र इतना आसान तो नहीं था क्योंकि महज 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन किस तरह से वह अपनी ज़िंदगी में संभले और आगे बढ़े अगर आप उनकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप उनकी पूरी बायोग्राफी भी देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुमराह से इस वर्ल्ड कप में काफ़ी उम्मीदें हैं और आशा करते हैं कि बुमराह और टीम के सभी खिलाड़ी अपने शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत को वर्ल्ड कप जरूर दिलाएंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।